एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। ये लंबी लाइन राशन लेने या बैंक में बिल जमा कराने वालों की नहीं, बल्कि अपने और खानदान के लिए रोजगार तलाश करने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवानों की है। लाहौर हाई कोर्ट में जूनियर क्लर्क की 109 सामियों को अखबार में मुश्तहिर किया गया तो बेरोजगार नौजवानों का समुंदर उमड़ आया। मैंने डी ए किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का है, तो ये इसके बाद आया यहाँ अप्लाई करने के लिए। मैट्रिक के बाद की यही ऐसी जो आ रही है क्लर्क ही है, और इसकी जो हमें मिलनी चाहिए इसमें सिफारिश नहीं होनी चाहिए बस। मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ, तो आईकॉम मैंने किया हुआ है, देख सकते हैं आप इतनी ज्यादा लाइन लगी हुई है, बेरोजगार इतना बढ़ गया है। जूनियर क्लर्क की असामियों के लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक मांगी गई थी, लेकिन ग्रेड 7 की इस नौकरी के ख्वाहिशमंद में एफ ए, बी ए और एमए की डिग्री रखने वाले भी शामिल हैं। लंबी लाइन में सुबह से खड़े ये नौजवान अपने मुस्तकबिल और तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत हासिल करने से मायूस हो चुके हैं। 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, कर लो मंजूर की बेकारी से बेजार हूँ मैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और मैं इधर क्लर्क की भर्ती के लिए एप्लीकेशन जमा कराना सुबह का आया हूँ। अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मैट्रिक की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट पे जूनियर क्लर्क का फॉर्म जमा कराने के लिए आया हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और इधर जूनियर क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इधर सिफारिश का काम ना हो, मेरिट पे काम हो, कि हमारा भी काम हो जाए। इन उम्मीदवारों का कहना है कि हुकूमतें मेरिट का राग तो अलापती हैं, लेकिन अमली तौर पर मुलाजमतें आज भी सिफारिश पर ही मिलती हैं, लेकिन उन्हें ये तवक्को है कि हाई कोर्ट में ये भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। जूनियर क्लर्क के असामियों पर आला तालीम याफ्ता नौजवानों समेत हजारों अफराद का रुजू करना इस बात को जाहिर करता है कि मुल्क में बेरोजगारी इंतहा को पहुंच चुकी है। शादाब रियाज, आज न्यूज़, लाहौर।